हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभय वीर शर्मा। मुझसे कमेंट्स में एक दो लोगों ने पूछा था कि टाटा पंच की स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। तो चलिए, आज मैं इसी टॉपिक की वीडियो लाया हूं। सोचा था वीडियो के थ्रू बता दूं ताकि सब लोग जान सकें कि कैसे क्या अब होता है। तो चलिए बताते हैं। ये आपको चार बटन दिख रहे हैं। ये ऊपर वाला जो बटन है वॉल्यूम का है, जिससे अगर आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो आप इसे वॉल्यूम कम ऊपर इसे प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं प्लस कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए बदल रही है। ये देखिए बढ़ रही है। ये देखिए और अगर माइनस करते हैं देखिए कम हो रही है। ये देखिए और ये देखिए, इससे ये होता है कि आप कोई भी अगर आपका सॉन्ग प्ले हो रहा है तो इससे आप पीछे जा सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको गाना नहीं पसंद तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपका दिया है कि आप जैसे अगर कार चला रहे हैं तो अगर आपको रेडियो पे स्विच होना है तो इसको आप एक बार प्रेस करिए, आप रेडियो पे स्विच हो जाएंगे। अगर आपको ब्लूटूथ पे स्विच होना है तो इसको एक बार और प्रेस करिए तो आप ब्लूटूथ पे, यूएसबी पे, इसी तरह आप इस पर, इसमें आप बिना गाड़ी की स्क्रीन को टच किए हुए गाड़ी चलाते चलाते आप इधर से उधर स्विच हो सकते हैं, ब्लूटूथ पे, कभी यूएसबी पे। बाकी ये जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं ये जैसे ये अगर आपकी कॉल आ जाती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको कट कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से म्यूट भी हो जाएगी। बाकी यही तरह आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।